अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे मसालेदार करेला, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स के साथ बता रहे हैं हम आपको। तो उसके लिए लिया है हमने 500 ग्राम करेला, एक प्याज ली हमने, इसको ऑमलेट की प्याज की तरह कट कर लिया है। एक टमाटर ले लिया है, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। एक प्याली भर के हमने मूँगफली ली है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, बड़े चम्मच लिए हमने 2 भरकर तेल, आधा चम्मच लिए हमने चाट मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी करेले हमने काट कर रख दिए हैं, एक आपको दिखाने के लिए रखा है हमने किस तरह से कट किया है। ये मूंगफली हम 2 मिनट तवे पे भूनेंगे और भून कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, पाउडर की तरह, या पेस्ट भी बना सकते हैं, पाउडर भी, कुछ भी चलेगा, फाइन बना लेना है बस। तो उससे बहुत अच्छा टेस्टी मसाला होगा और करेले बहुत टेस्टी होंगे खाने में। तो टिप्स आप ध्यान में रखिएगा, टिप्स ये है, देखिए, करेला आप जब भी खाना हो आपको तो इस तरह से कीजिए, आपका करेला कभी कड़वा बनेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 20 मिनट से हमने कट कर दिया, इसको कट करके 20 मिनट से हमने इसको इमली के पानी में डालकर रख दिया है, कट करके आप देख सकते हो। देखिए, हमने ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका निकाल दिया है और इसके बीज अंदर से निकाल कर इमली डालकर इस तरह से हमने पानी में रख दिया, इमली के पानी में, देखिए, तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने पानी डालकर इसको रख दिया है। तो इसका खट्टे से नमक भी डाला था हमने इसके अंदर 1 चम्मच, खट्टे से और खारे से इसका पूरा कड़वापन चला जाएगा। ये पानी हम बॉईल करेंगे इसको, तब देखिए आप देखिएगा कि हम किस तरह से आपको बता रहे हैं। तो आपका करेला कभी कड़वा होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड का हमने कट कर लिया है, इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा हटा देंगे, देखिए, ज़्यादा नहीं हटाना, करेला बहुत फ़ायदेमंद होता है, करेला खाना भी चाहिए। और इस तरह से बनाओगे तो वो कभी कड़वा बनेगा नहीं। तो ज़रूर से एक बार तो ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप भी फॉलो कीजिए और उसी तरह से बनाकर देखिए, आपका करेला कभी कड़वा ही नहीं होगा। देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है, कितने आसानी से हो चुका है ये। अभी चम्मच से पीछे वाले साइड से इसको इस तरह से निकाल देंगे, इसके बींजे अंदर से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से हाथ से निकाल देंगे उसको, अच्छे से निकाल लेना है सर। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है। इस तरह से हमने कट किया और इसके अंदर थोड़ा सा नमक लगाया था हमने और इमली डालकर फिर उसको पानी में रख दिया है। तो 20 मिनट से हमने इस तरह से इसको पानी में करके रख दिया है, आप देख सकते हो। देखिए, गैस पे हमने पैन रख दिया है, करेले को हमने अच्छे से धोकर ही पानी में डाला है। पहले अच्छे से इस तरह से कट करने के बाद उसको धो लेना, अच्छे से धोकर फिर इमली के और नमक के पानी में उसको डाल देना है। फिर अब हमको उसको धोना नहीं है, तो इसी पानी से हम पानी के साथ में करेले को अंदर डालेंगे, ये पानी को फेंकना नहीं है, तो पूरा कड़वापन उसका चला जाएगा। इसी में हमको बॉईल कर लेना है। ये करेले को डाल दिया हमने, गैस हमने फुल फ्लेम पे किया है, फुल पे इसको बॉईल करेंगे। हल्दी पाउडर इसी में डाल देंगे पानी के अंदर ही, तो अच्छे से वो करेले में चली जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे,
ताकि करेले के अंदर तक हल्दी का पानी चला जाए। देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, अंदर तक पानी इसका जाने दिया है। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, खुले में इसको फूल पे अच्छे से उसको करेले को बॉईल करेंगे नरम होने तक। करेले हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये किस तरह से हो चुके हैं, एकदम नरम भी हो गए, अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद दिखाते हैं आपको क्या करना है आगे। देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी हमको इसके अंदर का इमली जो हमने इसके अंदर डाली थी वो निकाल देंगे। इस तरह से सभी इमली निकाल लेना है, सभी पीसेस में की इमली हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से निकाल लेना है इमली सब, और सब पीसेस को निकाल देंगे। ये पानी हमको अभी फेंक देना है, अब इसका कड़वापन पूरा चला गया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर से सब पीसेस निकाल देंगे और ये पानी को फेंक देंगे। देखिए सभी पीसेस हमने निकाल दिए प्लेट के अंदर। अब ये करेले के पीस हमको कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट करेंगे। देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है, पैन में तेल को डालेंगे। जीरा डालेंगे, जीरे को अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज डालेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखा है हमने, प्याज को थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, 2-3 मिनट हमने इसको ब्राउन होने दिया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकने देंगे मिर्ची का कच्चापन जाने तक और टमाटर हमारा सॉफ्ट होने तक। देखिए 2-3 मिनट हमने मिर्ची को पकने दिया कच्चापन जाने तक, टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका आप देख सकते हो। मूंगफली हमने भूनकर इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बहुत टेस्टी होता है मसाला मूंगफली से, इसका मसाला खाने में ही बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये आधा कप डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए पानी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे जले ना, अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि करेले हमने इमली के पानी में रखे थे तो उसके अंदर हमने नमक डाल दिया था, तो ज्यादा ना हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। खट्टे के लिए हमको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, हमने टमाटर डाल दिया है इमली से, अच्छा वो खट्टा भी हुआ है और उसके अंदर खट्टा खट्टा टेस्ट भी आया है, तो खट्टे के लिए हम कुछ भी नहीं डालेंगे। आप चाहो तो इमली का पानी डाल सकते हो, ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो। देखिए अभी हम इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पे, पूरा अच्छे से ऑयल ऊपर आने तक 5-6 मिनट। देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकने दिया है,
ऑयल ऊपर आने तक आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पक चुके हैं सभी मसाले। तेल भी ऊपर आ चुका है। इसी तरह से इसको पका लेना है। देखिए करेला हमने कट कर दिया है इस तरह से। करेले को अब इसके अंदर डालेंगे। हम आपको एक तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए इतना नरम हुआ ये। करेले को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले के अंदर अभी हम इसको पकाएंगे नहीं, दो मिनट बस इसको ढक देंगे। बॉईल किए वो अच्छे से गल भी चुके हैं। दो मिनट रखेंगे, दो मिनट के बाद दिखाते आपको। देखिए सिर्फ दो मिनट हमने इसको सिर्फ इसके अंदर स्टीम बनने दिए है बस। इसको हमको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ स्टीम बन जाए। देखिए अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो चुका है हमारा मसालेदार करेला। जो जिसको पसंद नहीं है वो भी खा सकता है, उसका भी दिल करेगा खाने के लिए। आप देख सकते हो इतना अच्छा मसालेदार करेला बनकर तैयार हो चुका है हमारा। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। लीजिए बनकर तैयार है मसालेदार करेला। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है। जो करेला नहीं खाता है तो इसको देखकर वो भी करेला खाना चाहेगा। ये करेला इतना टेस्टी होता है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, और एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप ट्राई करेंगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका करेला कैसा बना है। हमारी रेसिपीज आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।